अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी रंग, चुनाव की गुंजाइश कौन तलाश रहा है? नहीं, चुनावी रंग तो है ही है। जिस तरीके से आप फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में, एक ये चलन बन चुका है। आप देखिए कि 19 साल के असद का जो है फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। आप मुझे, आपने कैसे तय किया फर्जी एनकाउंटर? नहीं, आप बताइए कि जिस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ उसकी क्यों नहीं जांच होती? पर हाँ, मेरे को, मैं ये भी मुनासिब आता हूँ, चारों में आता हूँ, चारों आता हूँ राकेश जी। मैं ये, मैं इस चैनल पे खड़े होकर कहूँ कि जांच कमेटी बनाई जाए। नहीं नहीं, क्योंकि अरे सर सुनिए सुनिए, मैं आपको भी कहता हूँ, अरे माइय पार्टी के पास जाऊंगा, उनको भी पहले से कह देता हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आप अपनी बात रखिएगा। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, इतना आपको पता होगा हर एनकाउंटर की। नहीं, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मजहब देख करके जो इस तरीके से एनकाउंटर करने का काम उत्तर प्रदेश, आदित्य राणा का कुछ दिन पहले एनकाउंटर हुआ, सुनिए सुनिए सुनिए, आदित्य राणा का आपको पता होगा एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? छात्र नेता का, वो किस धर्म का था? हत्या का, किस धर्म का था आदित्य राणा? बलिया में छात्र नेता का, अरे किस धर्म का था आदित्य राणा? एनकाउंटर कहेंगे क्या? किस धर्म का था आदित्य राणा? आपने कहा ना धर्म देखा करा है, तो ये हत्या करना कहूंगा मैं इसे, ये हत्या करी गई है। आप बताइए, जिस तरीके से 19 साल के लड़के की हत्या आप कर देते हैं, क्या सीआरपीसी हिंदुस्तान में नहीं है? आईपीसी नहीं है क्या? हमारे जुडिशियल नहीं है? अतुल सक्सेना, अतुल सक्सेना, अतुल सक्सेना, आप क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है, चारू चारू, आप अपनी बात रखिए, ठीक है, चारू प्रज्ञा, आप क्यों नहीं संविधान के हिसाब से चलते हैं? यदि संविधान के अनुसार आपने नहीं चलना है तो संविधान को ताले में लगा के बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश संविधान क्या कहता है? एक मिनट अतुल सुनिए, अतुल सक्सेना सुनिए, संविधान क्या कहता है? अगर असद, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, अगर असद फायरिंग करता है तो संविधान क्या कहता है? पुलिस सीना तान कर खड़े हो जाए, लाओ मुझे मार दो, जवाब ना दे। मैं तो आप चारू प्रज्ञा, देखिए चारू प्रज्ञा, समाजवादी पार्टी ने अपनी जांच बिठा दी, तय कर दिया फर्जी एनकाउंटर है। राकेश जी, सबसे पहले तो मुझे ये बहुत गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट लगता है जो अभी प्रवक्ता ने भी कहा और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने भी कहा, गैर जिम्मेदार। आपके पास कोई प्रूफ है? और नहीं करिए, मैं आपको बताती हूँ सपोर्ट है? किसका कर रहे हैं आज जिसका टीवी पे बैठकर देश के सामने। अब बीच में आप मत बोलिए राकेश जी, मैं बीच में नहीं बोली, मैं अपने समय का इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम है इनका दिल बहुत दुख रहा होगा क्योंकि इनके नेता के बेटा जो चिंता है, पहले जाके उसका शव लेकर आप मजहब देख के जो राजनीति करने का काम करती है भाजपा, आप देखिए 6 साल से आप सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए कि मेरा माफिया तेरा माफिया। एक मिनट चारू प्रज्ञा, मैं आपको समय देता हूँ, अतुल सक्सेना एक बात सुनिए सर, चारू प्रज्ञा, चारू प्रज्ञा 10 सेकंड दीजिए, आपको अन इंटरप्टेड समय दूंगा। अतुल सक्सेना और बाकी सारे पैनल ही सुन ले एक चीज, असद को बच्चा मत कहिए, लड़का मत कहिए, अपराधी था, भागा फिर रहा था, पुलिस तलाश कर रही है, 5 लाख का इनामी बदमाश था, तो बच्चा मत कहिए प्लीज, मैं बार बार इंटर करूंगा, बच्चा मत कहिए। चारू प्रज्ञा, आप अपनी बात पूरी करिए, आप पहले तो समाजवादी पार्टी के नहीं, पहले आप समाजवादी पार्टी के टेरर सिंपथाइजर का फेडर डालिए, क्योंकि ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही हूं। नहीं, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा आपको, सिर्फ चारू प्रज्ञा की आवाज। ये आज जिसका डिफेंड करने बैठे हैं राष्ट्रीय टीवी पर, आपके साथ जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, ये वो इंसान है हु इज वांटेड फॉर मर्डर, किसी और का कत्ल करने के जुर्म में इनको पुलिस ढूंढ रही है 50 दिनों से। ये पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगे? क्योंकि इनको बचाने वाले इनके पिताजी थे, आप जैसे लोग थे। जब ये पुलिस के हाथ लगे, ये भेष बदल के थे। क्यों भाई भेष बदल के घूम रहे थे? इनके पास फॉरेन कंट्रीज से आए हुए बहुत फैंसी सोफेस्टिकेटेड हथियार प्राप्त हुए हैं। एक रिवॉल्वर थी, एक पिस्टल थी, जिनको निकालकर इन्होंने पुलिस वालों पर चलाया है। आप एक बात बताओ, जो पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, अपना जान हथेली पर लेकर ड्यूटी करने निकलते हैं, क्या उनके परिवार की आपको चिंता नहीं होती? वो जिसको आप बच्चा बोल रहे हो, पहली बात तो वो बच्चा गुनेगार है, वो बच्चा पुलिस पर गोली चला रहा है, उसको आप बच्चा बोल रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पर मेरे को ये बोल रहे हो आपके बच्चे को गोली लगी, कैसी बात कर रहे हो आप यहाँ पर? और ये वो परिवार है जिसके लिंक्स निकले हैं पाकिस्तान से। राकेश जी बैक स्टोरी बताते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे इलीगल हथियार हमारे देश में लाने के लिए।